का माहौल खराब करते हैं, गांव में चोरियां होती है स्मैक की वजह से। ऐसा गांव में बिल्कुल नहीं होना दिया जाएगा। ये चार पांच लोग हैं, इन लोगों को गांव में शांति व्यवस्था अच्छी नहीं लगती। ये पार्टीबाजी बनाकर गांव में गुटबाजी और उसके एवज में अपना निजी स्वार्थ देखते हैं और लोगों को गुमराह करके बूढ़े बड़े लोगों को फंसा देते हैं। ये नशा मुक्त गाँव बनाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल जी, मेरे गाँव के अंदर हम शराब का ठेका तो पाँच के पाँच साल नहीं जाने दूंगा मैं, ना कोई खुर्दा चलाने दूंगा। मैं खुद जाकर पकड़ाऊंगा साथ में, अगर कोई खुर्दा चाहे शराब बेचता मिल गया, कोई स्मैक बेचता मिल गया गांव में। गांव में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहने देंगे पाँच साल में। हर अच्छे काम करावाएंगे और गांव का भाईचारा बनाकर रखें, पूरा गांव ने एकजुट रखेंगे ताकि गांव की ताकत बने और आगे भी कोई भी मंत्री बनता है कोई बनता है ताकि गांव के लिए उससे कुछ काम लिए जा सके। बड़े बड़े अपना कॉलेज का प्रस्ताव भी डालना, लड़कियों को होना चाहिए, अनाज मंडी होना चाहिए। मेरा गांव इतना बड़ा रखेगा, आज तक मेरे गांव में हर सुविधा होनी चाहिए थी, लेकिन ये चार पांच ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने गांव का सत्यानाश कर रखे है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ आज के बाद ये कोई कमेटी नहीं इस कम्युनिटी सेंटर की, गांव ग्राम पंचायत के अंडर है। किसी भी गांव का गरीब आदमी ने कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई प्रोग्राम कराना है, कोई किसी को कमेटी को पूछने की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत पाओ जो इसका सिस्टम बनाओगे ताकि इसकी साफ सफाई हो, उसके जो सिस्टम होगा सबके लिए बराबर होगा। कोई भी आदमी आओ, किसी का शादी है, घर में जगह नहीं है, गरीब आदमी शादी करना चाहता है, करने देते, अपनी मनोबली चलाते थे यहाँ पर। अब उस कमेटी को भंग करके इसको पंचायत के अंडर लिया गया है खुले ही तौर पर बुलाने का, लेकिन क्या करते हैं सरपंच ग्राम पंचायत कुछ लोग क्या करते हैं, गांव के अंदर इलेक्शन के बाद एक दूसरे से जलसी बरतते हैं, लेकिन सरपंच जो होता है वो पूरे गांव का होता है। इसलिए मैं पूरे गांव में मुनियादी करवाई दो दिन से, फिर जो भी समस्या है इसमें कोई मतलब नहीं किसी ने वोट दिया, गाँव का कोई व्यक्ति हो अपनी समस्या नोट करो। ये गाँव का अगर सुधार करना है तो हर आदमी की समस्या सुननी पड़ेगी। ये थोड़ा कि अपने अपने आदमियों के अपने अपने लोगों के काम करवाए और गांव का सत्यानाश करते। पहले ऐसा होता है, मेरे गांव में मेरी एज 42 साल की होगी, आज तक मैंने तो देखी नहीं मेरी सोती मुझता पहला किसी ने कराई ग्राम सभा में, कह नहीं सकता। ये अपने ही घर बिठा के 20-30 आदमियों को और अपना फर्जी काम किए जाते थे। तीन प्लान से तो मेरे गाँव का बिल्कुल सत्यानाश ही किया हुआ है 2005 से लेकर 22 तक। मैंने कल भी कहा तीन के तीन प्लानों की जांच करवाएंगे, जो भी गांव में गबन हुए हैं सब मेरे गांव के अंदर इतना गबन हुआ है। धन्ना जाट का एक बग चौक बनाया गया, वहां मुश्किल से 50,000 रुपये 70,000 रुपये लगे हुए। गांव के लोगों को कहने कि वहां काफ़ी पैसे दिखाए, कमरे दिखाए गए वहां पे, मैं कमरे बनाए हैं। इतना लोगों ने दुरुपयोग किया पंचायत का कि आप पूछो ना। विजिलेंस जाँच नहीं हुई है, उसकी जाँच और भी जो सहयोग मैं भी करूँगा टीम विजिलेंस की टीम का, और मैं जांच करवाऊंगा हर कार्य की जो गलत कार्य हुए। गांव का पैसा ऐसे बर्बाद नहीं कर दिया जाएगा, पहले भी बिजली घर का जो सारा पैसा था वो बर्बाद किया गांव का। बीते काल में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं कहने का भाव ये है आप उनको उजागर करने का प्रयास करोगे और कार्रवाई चाहते हो? बिल्कुल जरूर करेंगे, उसका हम सबकी जाँच करवाएंगे जो भी गाँव का सत्यानाश किया उन लोगों ने। आपने देखे कल भी वही चार पाँच लोग हैं जो पहले भी गाँव के साथ धोखा किया था अपने निजी स्वार्थ के लिए। किसी ने अपना लड़का लगवा लिया सरकार से, किसी ने अपना बिजली घर की जमीन बेच दी और गांव को इतना नुकसान हुआ। फ्री लाइट मिलती मेरे गांव को, पूरे गांव को उस पैसे की एवज में, लेकिन नहीं, कुछ चार पांच लोगों ने सरकार की गोद में बैठकर गांव को बेचने का काम किया। अब गांव के लोग उन लोगों के पे काबू में नहीं आए। एक ये कम्युनिटी सेंटर है, इसके नाम पर वही चार लोग हैं। ये मैं खुला कहूँ, मैंने किसी का कोई डर नहीं, उनका नाम है दबता ऐसे लोगों से। यही चार लोग हैं, इन लोगों ने एक अपनी कमेटी बनाई हुई है कम्युनिटी सेंटर के नाम पर, और बाहर जाते हैं कहीं भी किसी के पास भाई गांव में कम्युनिटी सेंटर में इस चीज़ की ज़रूरत है, चंदा ठने काम करते हैं। गांव के जो हमारे गांव में पहले बढ़िया समाज बहुत भारी मात्रा में रहता था, वो लोग बाहर बैठे थे बिजनेस है उनके, उनके पास भी जाते हैं कम्युनिटी सेंटर के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं। ये टीम बनाई हुई इन लोगों ने, ये कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए बराला के पास जाते हैं, कभी चार कुछ टाइम पहले दपिंदर का चाय का प्रोग्राम कर रखे था, कल मंत्री का खड़े थे। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और गांव के लोग, पहले गांव के लोग बेचारे बहकावे में आ जाते दिन में, अब ऐसा कुछ नहीं है, गाँव ने लोगों को दरकिनार किया हुआ है। ये चार के चार आदमी जो थे इनके साथ इनका खुद का परिवार का सदस्य नहीं। सरपंच साहब बताइए कि आज खुले तौर पर जो है ग्राम सभा आपने बुलाई गई थी, क्यों बुलाई गई थी और कितनी लोगों की समस्याएं हैं और क्या प्रस्ताव पास किए गए? ग्राम सभा तक सरकार का नियम होता है, ये ग्राम सभा बुलाई जाती है ताकि गांव के लोगों की जो भी समस्या होती है वो सुनी जाए। किसी की नाले की समस्या है, किसी के पानी की समस्या है, किसी के खेत के रास्ते बनवाने हैं, कोई गली बनवानी है, तो कम से कम भी 100-125 समस्याएं लोगों की आई। तो इन नियमानुसार हर स्कीमों के तहत नियमानुसार सभी की समस्या का समाधान किया जाएगा। कोई मनरेगा से बनना है रास्ता, कोई जिला परिषद से बनना है, कोई पंचायत खाते से बनना है, जो भी नियम होंगे नियमों के अनुसार इन सभी की सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा।
तो सरकार की ओर से कुछ आपको सहयोग इसमें मिलेगा या क्या रहेगा? सरकार की जो पॉलिसी होती है उनका तो सहयोग आता ही है ग्राम पंचायत में। वैसे ग्राम पंचायत की आमदनी है खुद की भी, वैसे भी ग्राम पंचायत के खाते में पहले ही पैसे पड़े हमारे, और भी आगे जो समस्या होगी हम आगे रखेंगे सरकार के समक्ष और अपने गांव के लिए ग्रांट लेने का काम करेंगे। अभी जो है ग्राम गांव समैन को एक नहर से जोड़ने का पानी का जो वो जो है मंत्री द्वारा जो है घोषणा की गई है, अभी उसका कार्य को किया जाएगा, वो ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाएगा या विभाग के द्वारा? ये मंत्री जी तो वैसे श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। ये पानी की जो पाइपलाइन है ये मेरे गांव के मेरे दादाजी वो गांव की समस्या को देखते हुए मंजूर करवा के ले गए इसको, और वो विभाग के द्वारा उसका टेंडर हो चुका है, उसका 4 करोड़ का शायद पाइपों का टेंडर हो चुका है। ये तो मंत्री तो वैसे ही श्री लेता है, ये पाइपलाइन तो मेरे दादा सूबे सिंह जी मंजूर करवा के ले गए थे। ये गांव की समस्या थी क्योंकि कंदड़ी गांव से होकर पानी आता है, वहाँ पशु बैठते हैं और पहले वीडियो ये गंदा नाला गंदा पानी छोड़ देते हैं वो लोग। ये गाँव की समस्या थी, उस समस्या को देखते हुए ये गाँव के लोग काफ़ी समय से इसके विषय में लगे हुए थे, पूरे गाँव के लोगों ने मंजूर करवा था मेरे दादा सूबे सिंह जी। तो एक ये जो है और गांव की जो समस्याएं हैं कैसी समस्याएं आप तक आम जन की या ग्रामीणों की आई? कुछ समस्याएं तो जैसे पुली टूटी हुई है, कुछ घरों में पानी नहीं जाता, कई लोग क्या करते हैं कि पानी की छोटी छोटी टंकियां ऊपर जाती खुली चलती है, स्पष्ट कर दिया पूरे गांव के सामने भाई अगर कोई भी अपनी टूटी खुली छोड़ेगा बंद उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा ताकि हर घर तक पानी पहुँचाया जा सके। और कुछ रास्ते थे खेतों के रास्ते हैं, कुछ गाँव के रास्ते हैं, वो सभी के सभी आज प्रस्ताव लिखे गए हैं, वो अपना इनकी छटनी करके जो नियम अनुसार किस प्रस्ताव को किसका उसमें डालना, स्कीम में किसको किस स्कीम में डालना, इस तरह डाले जाएंगे और गांव की समस्या को समाधान किया जाए। ये पहली बार हुआ है कि आपने खुले तौर पर जो है एक ग्राम सभा बुलाई है, इसकी नौबत क्यों आई है इतने खुले तौर पर बुलाने? ग्राम सभा तो रूल तो है खुले तौर पर बुलाने का, लेकिन क्या करते हैं ग्राम पंचायत कुछ लोग क्या करते हैं गाँव के अंदर इलेक्शन के बाद एक दूसरे